बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज़ है। अगर मुझे मार दोगे तो बच जाओगे, वरना मैं तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाऊंगा। मार दो मुझे जल्दी। क्यों इतनी जल्दी है तुम्हें मरने की? मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी बदतर करने वाला हूं अलंजक। मेरे बेटे, क्या तुम लोग हिजरत करने को इतना आसान समझ रहे हो? और कोनिया के माहौल के हम आदी नहीं है। वहां ना कोई कानून है और ना कोई रियासत। वहां कुछ ऐसा था जो उसके लिए बहुत ज्यादा अहम था तुमरुल। वो उसी को बचाने के लिए आया था। जांगुच हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा अहम है। लेकिन तुम्हें उससे एक खास मालूमात हासिल करनी है। वो क्या जनाब? अलबास्ती। वो और उसके सिपाही वहां आए और हम सब पर हमला किया। उसने पहला तीर तुम पर चलाया। जब अपनी जान खतरे में नजर आई तो तुम्हें भी नहीं बख्शा, और तुम कोशिश कर रहे हो उसे बचाने की। मेरी ख्वाहिश देखकर बच्चे भी इस कबीले में नहीं रहना चाहते। अल्लाह अंजाम बखैर करे। रह भी कैसे सकते हैं अफसा बहन, वो सब समझते हैं, उन्हें नजरअंदाज ना कीजिए। बुजदिल इंसान, अपनी रूह बेचने वाला गद्दार, एक नाअहल जासूस, इंतकाम की ताकत ना रखने वाला बुजदिल इंसान। अलंजक, वो खबीस, वो शैतान, क्या वो सच में मर गया सरदार? ये बिल्कुल सच है ना? मर गया वो। ये मक्तूब मौसूल हुआ है भाई। क्या कोई बुरी खबर है? बहुत बुरी खबर है तुर्कुत। अच्छा नहीं हुआ ये। क्या हुआ भाई? खैरियत तो है? मुझे इजाजत दीजिए। ऐसी क्या खबर है जिसने अर्तुरुल को परेशान कर दिया? क्या लिखा है इस मकतूब में? Thank you.
हर हाल में पता लगा रहा होगा कि उसने क्या लिखा है। कोड़ा नीचे फेंक दो, तुम्हारे हाथ में नहीं जचता ये। ये कोड़ा तुम जैसे बुजदिल के लिए नहीं बना। मैं तुम्हें तुम्हारे ही कोड़े से मारूंगा। जहन्नम में जाकर भी तुम ये तकलीफ नहीं भूल पाओगे। जान से क्यों नहीं मार देते मुझे? बुज़दिल, मार दो। ये लीजिए जनाब, तनावुल फरमाए। ये लीजिए जनाब, तनावुल फरमाइए। मेरे सिक्के कहां गए? ये क्या है? तुमने चुराए मेरे सिक्के? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं जानता हूं कि तुम ही ने मेरे सिक्के चुराए। चोर हो तुम। मैंने कुछ नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो। कहाँ छुपाया है तुमने अर्जुन? कहाँ है वो वक्त?
ये मकतूब बरके खान का है तो तुम सोना निकालने की तैयारी कर रहे हो अर्तुर। आखिर सोना है कहां? कहां छुपा के रखा है तुमने? तो ये जगह है। मैं तुमसे सोना ऐसे लूंगा जैसे मुझसे लिया था तुमने। कुंदस बेटा, अब जख्म कैसा है तुम्हारा? तबीयत ठीक है ना? ठीक हूं दादी, मैं ठीक हूं। हाँ। जाहिरी जख्म तो भर गया मेरा, लेकिन दिल का जख्म इंतकाम से भरेगा। सुलेमान का इंतकाम लिए बगैर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह वो दिन भी चलता आएगा कुंदस, इंशाल्लाह। सुलेमान के तुम जैसे बहादुर भाई मौजूद हैं, वो इंतकाम लेने में अल्लाह की रजा से जल्द कामयाब होंगे। मैं जरूर लूंगा उसका इंतकाम, आप परेशान ना हो भाभी। भाई, खुश आमदीद। शुक्रिया वालिदा। आपके हाथ में क्या है बाबा? भाई के मकतूब मौसूल हुए हैं। भाई गुंदोग तो कैसा है अर्तुरुल? वो ठीक है वालिदा, शुक्र है कि अब आजाद है। वो एक अहम फरीजा अंजाम देने रवाना हो रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपसे हमेशा राजी रहे भाई। गुंदोग तो आपकी वजह से इस मुश्किल से निकलने में कामयाब हो सके। ये आपके लिए है भाभी, भाई ने आपके लिए खुसूसी तौर पर भेजा है। भाई ने मुझे सुलेमान का इंतकाम लेने के लिए कहा है। अलंजक अपने किए गए मजालिम का नतीजा भुगतने के करीब है, वो हमारी कैद में है। और अलबास्ती भाई, क्या उसकी कोई खबर है? अब अगली बारी उसी मलून की है सलजान खातून। उसका मुकद्दर अब अलंजक की जबान खुलने पर मुनहसर है। जैसे ही मालूम होगा कि वो कौन है तो वो भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। अलबास्ती की सोच है कि अपनी चालों से उसने हमें गुमराह कर दिया है, लेकिन हम उसे जकड़ने के करीब हैं। जनाब, आप यहां खैरियत? उम्मीद है कोई अच्छी खबर होगी। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी खबर है उरानूस। पता चल गया है कि सोना कहां है। कैसे पता चला जनाब, आखिर सोना कहां है? अर्तुरुल के पास एक मकतूब आया था। मैंने तजस्सुस में मकतूब छुपाने की जगह मालूम की, वहां से उस जगह का नक्शा मिला जहां अर्तुरुल ने सोना छुपाया है।
और मैं उसे अपने साथ ले आया। कल वो उस जगह से सारा सोना निकाल के वहां से रवाना कर देगा, और उससे पहले हम सोना हासिल कर लेंगे। जल्दी हमारा अजीम लश्कर को तैयार करने का ख्वाब पूरा हो जाएगा। मैं एक ऐसा लश्कर बनाऊंगा जिसके बाद कुस्तुन दुनिया तक कोई भी हमारा रास्ता रोकने की जरूरत नहीं करेगा। इसके अलावा एक और चीज मुझे मिली है उरानूस, एक और मकतूब। अर्तुरुल और बरके खान के इश्तराक का एक अहम सबूत है वो। ये सोना उसी को भेजा जा रहा है। वाकई जनाब, ये मालूमात तो हमारे लिए बहुत खास है। हम सही वक्त पर इसका फायदा उठा लेंगे। हमें फौरन रवाना हो जाना चाहिए। सिपाहियों को तैयारी का हुक्म देता हूं मैं। सोने की बात सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं, सिपाहियों को मैं तैयार करूंगा। मैं उन्हें खुद तफसील से समझाऊंगा कि यह कारनामा किस तरह अंजाम देना है। जब वो लोग वहां सोना लेने आएंगे तो अचानक हम उन पर हमला कर देंगे। उनकी कमान तुम करोगे। अर्तुरुल ने मुझे कल किसी खास जिम्मेदारी के लिए अपने पास बुलाया है। वहां जाना जरूरी है मेरा। उसे मुझ पर बहुत भरोसा है और मुझे तुम पर भरोसा है उरानूस। बेबुला साहब आए जनाब। आखिरकार वो आ ही गया जनाब। क्या करना है जानते हो ना? सराहे से पैगाम आया है भाई। जांगूश ने खेल खेला और कमरे में दाखिल हो गया। उसने वही किया जो हम चाहते थे। जिस जगह उसने हाथ डाला है वो उसके लिए एक जाल था, लेकिन इस बारे में वो बेखबर था। जांगूश सोच से बाहर चला गया भाई। ओज और मलिक शाह उसका ताकुब कर रहे हैं। वो हमारा बनाया गया नक्शा किले ले गया, जबकि असल नक्शा हमारे पास है। जिस जगह वो जाएंगे वहीं उनकी कब्रें बन जाएंगी। इंशाअल्लाह किले को तो हम संभाल लेंगे भाई, लेकिन जांगुच के साथ क्या करेंगे आप? आज रात किले में वो आखिरी बार गया है, अब कहीं कदम उठाने के काबिल नहीं रहेगा। उसके पास हमें बताने के लिए बहुत कुछ है। कबीले के हालात की वजह से उसे छोड़ा हुआ था मैंने, लेकिन अब जांगुच से उसके करतूतों के हिसाब का वक्त आ चुका है। कल हर चीज अपनी जगह मुकम्मल तैयार होनी चाहिए। अब्दुर्रहमान, मलिक शाह और ओज उसका ताकुब जारी रखेंगे। जांगुच को मैंने कल सऊद में अपने पास बुलाया है। सऊद में उसके आने के बाद वो जरूरी इकदाम करेंगे। जो हुक्म आपका भाई। अर्तुरुल सऊद लौट आया है। तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया लेकिन तुम उसे मार न सके। अर्तुरुल को मारने वहां गया था मैं, लेकिन कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया। कहीं उन नकाब पोशों को तुमने तो नहीं भेजा था? बताओ तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हो? हां, सिर्फ तुम ही उस जगह से वाकिफ थे। तुम मुझसे सवाल कर रहे हो ताकि अपनी नाअहली छुपा सको बेबुलात। नाकाम हो गए तुम। हैसियत पहचान कर बात करो। वहां तुम नहीं थे तो फिर कौन था? मैं नहीं जानता कि कौन था। हमने तुम्हें अलंजक और अर्तुरुल का पता बताया। जब तुम पहुंचे तो वो दोनों वहीं थे। मतलब हमने अपना काम ठीक तरीके से किया। ज्यादा एहतियात की वजह से तुम नाकाम हो गए। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह, मगर अब बहुत हो गया।
सोचना यह है कि क्या करेंगे हम। मैं नहीं जानता कि वहां क्या हुआ था, लेकिन इतना बता दो कि अलन जग मारा गया या नहीं। अलन जग मर चुका है, बेफिक्र हो जाओ तुम, हमें उस मुसीबत से छुटकारा मिल गया है। शुक्र है खुदा का। और वो मंगोल, ये बताओ क्या वो अलंजक की तलाश में यहां पर नहीं आएंगे? अगर एक साबिक सुल्तान के पीछे एक नाअहल आदमी मारा जाता है तो हलाकू खाम को इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सिर्फ एक ही मसला बाकी है, अर्तुल और फिर ट्रेगोस। ट्रेगोस क्यों? मैं उससे दो बदू मुलाकात करना चाहता हूं, दूसरी सूरत में हमारा ये मुआहदा खत्म हो जाएगा और मुझे एतमाद भी नहीं रहेगा तुम पर। तो ठीक है फिर, तुम्हारी गुजारिश ट्रेगोस तक पहुंचा दूंगा मैं, मुझे यकीन है कि वो ये दरखास्त कबूल कर लेंगे। ठीक है ठीक है। हम भी एक शख्स के बारे में जानना चाहते हैं, अलबास्ती। अलबास्ती से तुम्हारा क्या वास्ता है? सुना है कि वो यहां आ चुका है। तुम मंगोलों की खिदमत में रहे हो, यकीनन उसे जानते होगे। उस शानदार जंगजू से मुलाकात कमांडर ड्रेगोस की ख्वाहिश है। उसे क्या हासिल होगा अलबास्ती से मुलाकात करके? अगर वो यहां है तो उससे ताल्लुक पैदा हो जाएगा, वो उससे दोस्ती करना पसंद करेंगे। अगर तुम उसे यहां ले आओ तो कमांडर ड्रेगोस भी यहां आ जाएंगे और तुम भी उनसे मुलाकात कर लेना, और साथ ही साथ कमांडर ड्रेगोस के पास मौजूद अर्तुरुल की खबर पर भी बात हो जाएगी तुम्हारी। मुझे यकीन है वो मालूमात अर्तुरुल के खात्मे में मददगार साबित होंगी। अलबास्ती को नहीं जानता मैं, हो सकता है कि वो अलंजक की लड़ाई के दौरान मारा गया हो। सुना है वो खुद को इतनी आसानी से जाहिर नहीं करता। अफसोस है, ड्रेगोस से मुलाकात का इतना अहम मौका खो रहे हो तुम। मुझे अपने कबीले वापस जाना है, बहुत से उमूर निपटाने। पेशकश पर गौर करना, अगर अलबास्ती हमारे साथ मिल गया तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। करने वालों से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, आपको यकीन है इस बात का? मुझे इनके एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं है। हमला करने वाले या तो ये लोग थे या फिर हमला करने वालों का इनसे कोई ताल्लुक था। उन्होंने ऐसा क्यों किया सरदार? अर्तुल को बचाने नहीं आए थे वो लोग, और अलंजक को भी बचाने का इरादा नहीं था, इसलिए एक ही शख्स बाकी रहता है, संकोच। बहुत पुरसरार है वो कुबड़ा, अगर हम उसे पकड़ लें तो उससे अहम मालूमात हासिल की जा सकती हैं। संकोच को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना, समझ गए तुम? समझ गए सरदार। झूठ कह रहा है ये, अलबास्ती को यकीनन जानता है। ये समझता क्या है खुद को?
अल्बास्ती जो मंगोलों की गुलामी करता रहा वो अचानक यहाँ आ गया और बेबुलात उसे नहीं जानता। अलंजक के हर खास आदमी को जानता है, ये अच्छे तालुकात हैं इसके मंगोलों से। ठीक कहा, बेबुलात और अल्बास्ती दोनों एक साथ काम करते हैं, उनकी मालूमात मिलना बहुत जरूरी है। मैं जब से आई हूं आप परेशान हैं। परेशानी एक या दो नहीं, समझ नहीं आ रहा किस पर अफसोस करूं। अर्तुल साहब वजह है क्या? एक बार फिर अर्तुल साहब से मुलाकात कर लें। आप उनसे ये क्यों नहीं पूछती कि शादी का क्या हुआ? ये बात हादसात में गुम होकर रह गई है। इन सब का आखिर अंजाम क्या होगा? जो हालात चल रहे हैं इनमें शादी का कोई कैसे सोच सकता है मैंगू? लेकिन तुमने दुरुस्त कहा, अर्तुरुल सरदार से बात करनी होगी, उनका इरादा क्या है जानना होगा। अगर दिल सख्त करना पड़ा तो कर लूंगी। रात के इस पहर क्या बातें हो रही है? बैठो मेरी बहन। अच्छा किया तुम आ गई, मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। क्या हुआ बाजी, सब खैरियत तो है? कुछ दिनों से भाई के रवैये में तब्दीली देख रही हूं मैं, और ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। हमारे भाई कबीले के सरदार हैं, हमें उनके काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। यकीनन वो कबीले की सलामती के लिए कोशा होंगे, आप परेशान ना हो। वो पहले जब कुछ भी करते थे तो हर बात हम दोनों को बताया करते थे, अब क्या करते हैं कहां जाते हैं हमें किसी बात से आगाह नहीं करते। हमारे बाबा की विरासत है ये कबीला, मुझे डर है भाई इसे किसी खतरे में ना डाल दें। मैं जानती हूं भाई को, वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं भी जानती हूं भाई को, अर्तुरुल सरदार का सऊद वापस लेना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मुझे डर ये है कि वो दो कबाइल को आपस में दुश्मन ना बना दे। हालात ने आपको परेशान कर दिया है, आप इतना मत सोचिए, वो हमसे ज्यादा जानते हैं इस कबीले को, मुतमईन हो जाइए। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं बाबा, आप हमसे बेहतर समझते हैं, मगर इन हालात में हमारा यहां रहना बहुत मुश्किल है। आप किसी और कबीले नहीं जाना चाहते, नेकिया की भी मुखालिफत करती, लेकिन कोनिया एक बड़ा शहर है बमसी, और वहां बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं, हम भी खुश रहेंगे। हफ्सा, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, लेकिन उसका दूसरा रुख भी हमें देखना चाहिए। मंगोलों के वहां आने के बाद कोनिया भड़कती आग बन चुका है, वहां अफरा तफरी की सूरत हाल है, निजाम बर्बाद हो गया है, और अफसा ये फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं किए जा सकते। क्या अंदर आ सकता हूं बमसी भाई? आ जाओ अब्दुल रहमान सिपासालार। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खैरियत तो है, कोई मसला है क्या? सिपाहियों ने दावत रखी है, आपको भी अपने दरमियान देखना चाहते हैं।
मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी वजह से परेशान हो। मैं यही चीखूं, आप जाइए दावत में। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सिपाहियों ने कहा है कि अगर बंसी भाई नहीं आए तो हम भी नहीं खाएंगे। चलिए, सिपाही आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर तो दावत कबूल करनी पड़ेगी मुझे। बहुत शुक्रिया। चलो चलते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। वालिदा, क्या बाबा राजी हो जाएंगे? अच्छी उम्मीद रखो, तुम्हारे बाबा अपने बच्चों के लिए दुनिया के आखिरी कोने में भी जा सकते हैं। तुम्हारा काम कहां तक पहुंचा सिरमा? साबिक सिपाह सालार बमसी के खैमे की क्या सूरत हाल है? वो खैमा अब आग का शोला बन चुका है, जहां गुस्से और नफरत का धुआं है भाई। उस धुएं को हम जल्द ही काई कबीले की बेचैनी का सबब बना देंगे। उनके हालात ऐसे कर देंगे कि बेटा अपने बाप को शक की निगाह से देखेगा। कोई भी किसी पर भी एतमाद नहीं करेगा, खासकर अर्तुरुल पर। आप मुझ पे भरोसा रखिए भाई, आपकी बहन ने ऐसा खेल खेला है कि उनके खेमे में हर कोई कबीला छोड़ने के लिए तैयार है और कोनिया हिजरत करने का ख्वाब देख रहा है। हफ्सा कल अपने बच्चों के साथ बाजार जाएगी। तो वक्त आ गया है कि कल हम बड़ी बाजी खेलें। आप क्या करेंगे भाई? बमसी के साथ कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिसका असर काई कबीले पर ही नहीं बल्कि अर्तुरुल पर भी होगा। अर्तुरुल और उसके करीबी साथी के दरमियान में दरार डालूंगा। फिर हर शख्स कहेगा अर्तुरुल इस जगह की हिफाजत के काबिल नहीं रहा। आपके बगैर हमारे हलक से खाना नहीं उतर रहा था बंसी भाई। हम आपके बगैर खा लेंगे, ये आपने कैसे सोचा? चलिए बिस्मिल्लाह करके पहला लुकमा आप लीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे। भाइयों, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं तो बस आप लोगों का साथ देने आ गया। अगर आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे बंसी भाई। बंसी भाई, अगर आपने नहीं खाया तो सब भूखे रह जाएंगे। क्या आप ये चाहते हैं कि हम सब भूखे सो जाएं? ठीक है भाइयों, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये लो भाई। शुक्रिया भाई। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बमसी भाई, आप हर जंग में तलवार की तरह हमारे साथ होते हैं। कबीले की मुस्कुराहट हैं आप, और जब हम अपने भाई गुनकुत को उदास देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूं। हम दुखी हो सकते हैं, अफसोस भी कर सकते हैं, इस सब के अलावा और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन मैं अब तक नहीं समझ पाया मैंने ये गलती कैसे की।
पता नहीं उस वक्त मुझे हो क्या गया था। मेरी वजह से गुनगुत और दूसरे लोग सिपाही के मनसब से बरतरफ कर दिए गए हैं। वालिदा को बताया था मैंने, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अगर बाबा मुझे इजाजत दे दे तो मैं कोनिया चला जाऊंगा। तुमने अपना बेटा खो दिया, एक और बेटा है तुम्हारा। गुंदोग तू जल्द उसे भेज देगा तुम्हारे पास। खुद को इस तरह कैद मत रखो तुम। अलबास्ती अर्तुरुल के अतराफ घेरा डालकर तैयार बैठा है। सबसे पहले वो उसकी एक एक हड्डी तोड़ेगा। सोना ले जाने की तैयारी है। इनके रवाना होने से पहले हमें इसे हासिल करना है। लुटेरों ने हमला किया था और वह लुटेरे अपने साथ आईबास को ले गए। ये क्या कह रहे हो तुम?